वेलकम टू MBBS डायरेक्ट। मैं हूं ज्योति और आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप की एक लीडिंग यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है उज़ुरद नेशनल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी यूक्रेन में सिचुएटेड है और जो भी स्टूडेंट्स यूक्रेन से MBBS परस्यू करने का सोच रहे हैं जनवरी इनटेक के लिए, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए जानते हैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में इस यूनिवर्सिटी के। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है उज़ुरद सिटी में जो कि यूक्रेन की एक सिटी है और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। कोर्स ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो 6 ईयर्स ड्यूरेशन रहती है यूक्रेन में MBBS की। इसके अलावा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश रहेगा इस यूनिवर्सिटी में। रैंक की अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, वो काफ़ी अच्छी है। यूनिवर्सिटी 11th पोजिशन पर स्टैंड करती है यूक्रेन में। इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स का एक कंसर्न रहता है क्लाइमेट का, तो क्लाइमेट यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो 11 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो जो कि नॉर्मल है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा इशू आता नहीं है इसमें। इसके अलावा पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो 1.13 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है उज़ुरद सिटी की। इनटेक की अगर हम बात करते हैं तो 2 इनटेक अवेलेबल हैं डायरेक्ट MBBS के लिए। एक जनवरी इनटेक यहाँ पर होता है, दूसरा सितंबर इनटेक होता है। तो जनवरी इनटेक में ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स यूक्रेन में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं जनवरी इनटेक के लिए, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो कंसिडर कर सकते हैं उज़ुरद नेशनल यूनिवर्सिटी को, ये काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी उनके लिए। नाउ बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इस यूनिवर्सिटी में MBBS परस्यू करने के लिए। तो एज मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए स्टूडेंट की इसके लिए। और 12th की अगर हम बात करते हैं स्कोर की, तो 12th में 50% एटलीस्ट PCB स्कोर होना चाहिए बच्चे का। इसके अलावा नीट एसेंशियल है, नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है इसमें। फैकल्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी फैकल्टीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन हम अगर मेडिकल के पर्पज़ से देखते हैं तो जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री एंड इसके अलावा पब्लिक हेल्थ केयर यहाँ पर अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए जो भी मेडिकल के लिए परस्यू करना चाहते हैं यहाँ से। नाउ फैसिलिटीज़, यूनिवर्सिटी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराती है स्टूडेंट्स को, जैसे कि हॉस्टल्स। यहाँ पर 5 हॉस्टल्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए उनके एकोमोडेशन के लिए, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही रहेंगे। और स्टूडेंट्स अराउंड 2500 स्टूडेंट्स इन हॉस्टल्स में एकोमोडेट हो सकते हैं। हॉस्टल्स सारे वेल इक्विप्ड हैं, तो स्टूडेंट्स को सारी ऑल बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन मेस भी अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि उनको इंडियन मेस वहाँ पर मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो यस, यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सारी नेसेसरी चीज़ें सारी यूनिवर्सिटी अवेलेबल कराती है स्टूडेंट्स को। नाउ कुछ पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि अगर वो अपनी गर्ल चाइल्ड को भेज रहे हैं तो उनका कंसर्न होता है कि हॉस्टल गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट है या नहीं है, तो यस, हॉस्टल सेपरेट है गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, तो इसका कोई इशू नहीं होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अपने 20 से ज़्यादा साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं और 25 इसके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो फ़ीस यहाँ पर रहेगी 4,650 USD इंक्लूडिंग अकोमोडेशन पर ईयर, ये यहाँ की फ़ीस रहेगी। अगर हम INR में इसे देखते हैं तो ये लगभग 3.5 लाख पर ईयर इसकी फ़ीस रहेगी इंक्लूडिंग अकोमोडेशन। फ़ीस डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अकाउंट में डिपॉजिट होगी, इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होगा। इसके अलावा अगर वीज़ा प्रोसेस का कंसर्न आता है तो ये अराउंड 30 डेज़ एटलीस्ट लेता है, 30 डेज़ का टाइम इसमें लगता है। बात करते हैं यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशन की, तो यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड है WHO, NMC एंड UNESCO से भी। वाई उज़ुरद, तो इसके बहुत सारे ऑलरेडी फैक्टर्स हैं कि क्यों उज़ुरद यूनिवर्सिटी के लिए बच्चे को जाना चाहिए। क्योंकि जब भी हम किसी भी यूनिवर्सिटी का चुनाव करते हैं तो ऑफकोर्स बहुत सारे की पॉइंट्स हमारे माइंड में होते हैं जिनको कि हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट, यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम में एटलीस्ट होनी चाहिए परस्यू करने के लिए। इसके अलावा बजट अफोर्डेबल होना चाहिए, यूनिवर्सिटी सर्टिफाई होनी चाहिए ग्लोबल स्टैंडर्ड से, और फैसिलिटीज़ नेसेसरी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो इन सारे की पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए
उज़हूरग एक बहुत अच्छी चॉइस है स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूक्रेन से MBBS करना चाहते हैं जनवरी इनटेक के लिए, क्योंकि ये इन सारे की पॉइंट्स को कवर करती है इसके साथ। तो देख लेते हैं दोबारा, यूनिवर्सिटी इसीलिए भी हम चूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड है बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से। इसके अलावा ये वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी है यूरोप की और वर्ल्ड क्लास यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, प्लस टीचर्स हैं वर्ल्ड क्लास, और यूनिवर्सिटी स्पेशली जानी जाती है यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए और इसके क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए यूनिवर्सिटी को जाना जाता है। नाउ व्हाई टू चूज़ MBBS डायरेक्ट, तो हमारा मेन मिशन यही रहता है कि स्टूडेंट जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए हमारे पास आता है तो उसको उसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी हम लोग प्रोवाइड कराएँ, और अगर उसका कोई स्पेसिफिक चॉइस है तो उसमें उसका एडमिशन कराएँ ताकि स्टूडेंट्स का सेटिस्फेक्शन रहे। इसके अलावा हमारा फुल सपोर्ट रहता है स्टूडेंट को इन द कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ MBBS, तो स्टूडेंट को अगर कोई भी इशू आता है तो हमारा सपोर्ट उसके साथ रहता है। तो जो भी स्टूडेंट्स यूक्रेन से MBBS करने का सोच रहे हैं जनवरी इनटेक के लिए, वो उज़हूरग नेशनल यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं जनवरी इनटेक के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं MBBS डायरेक्ट पर। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज हैं एडमिशन रिगार्डिंग, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग MBBS डायरेक्ट।